हमने ये ऐसे ताजे ताजे आम लिए हैं, इसका ही अचार बनता है ये, और अभी मोटा होगा। हमने अभी अचार डालने के लिए इतने मोटे मोटे ले लिए हैं। आप देखिए, देखिए ये आम है कितने बढ़िया बढ़िया, और इनका ही हमने अचार डाला है। देखिए हेलो फ्रेंड, आज हम आपके सामने आम का अचार यानी सूखा आम का अचार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने ली है 1 किलो आम भी। देखिए हमने इस तरीके की ये आम भी ली है, इतनी बड़ी बड़ी, और ये गोल है बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा गूदा होता है, और इस तरीके हमने ये ऊपर का इसका पार्ट काट दिया है। देखिए आप इसको काट देंगे, छोटे छोटे पीस आप काट लें, ज़्यादा बड़े भी ना काटें, तो इस तरीके से ये आपकी मर्जी है, आप इतने ही बड़े इसको रख सकते हैं। बड़े अगर काटते हैं तो परेशानी होती है, अगर कम लेना होता अचार तो सारा पूरा इसका डालेंगे। इस अचार को आप सफर में भी लेके जा सकते हैं, बिना तेल का बना कर भी खाएंगे तो काफी टाइम तक सारा का खराब नहीं होगा। चार दिन के लिए धूप में रख देंगे, जब तक हमने 1 किलो आम ले लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमने सारी आमियों को काट लिया है, और हम इसको धूप में 3-4 दिन के लिए सुखाने के लिए रख देंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें मसाला डालकर कि ये किस तरीके से इसका अचार बनाया जाता है। देखिए आप इसमें बिल्कुल इस तरीके की सफ़ेद ही आम भी लें, बिल्कुल पीली ना हो, जैसे ये है, इस तरीके की आम भी ना लें। इस तरीके की आम भी लेने से अचार ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सफ़ेद इस तरीके की, जो पक्की ना हो, इस तरीके की कच्ची आम भी लें, और बिल्कुल ये पीली आम भी न लें। इस तरीके की आप आम भी बिल्कुल न लें। देखिए इसमें ये तब ये इसके ये पार्ट से पीले हो चुका है ये। देखिए देखिए हमने ये सूखा अचार बनाने के लिए साबुत मसाले लिए हैं। हमने लिया है ये 2 से 2.5 चम्मच सौंफ और धनिया, ये दोनों को मिक्स कर लिया है, और हमने लिया है ये ज़ीरा, 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 चम्मच ये हमने पीली सरसों ली है, 1 चम्मच हमने ये मेथी दाना लिया है, 4 हमने ये लाल मिर्च ली है, इसमें ये तेज़ी के लिए ली है, और 5 हमने इसमें तेज़ी नहीं होती ये 5 मिर्चें ली हैं। और इसको हम सारे मसालों को तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सारे मसालों को हल्का ही हमें सेकना है, ज़्यादा हमें नहीं, इनका बस इनका नमी हमने दूर करनी है, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। तो हमने हल्का सा ही इसको ड्राई करना है, और फिर इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर दिखाते हैं आपको कि और मसाले मिलाकर कैसे बनाया जाता है। देखिए हमने सारे मसालों को
पीस लिया है और हमने लिए है ये दो चम्मच हल्दी और दो चम्मच ही हमने ये नमक लिया है, आधा चम्मच हमने ये कश्मीरी मिर्च ली है और एक चम्मच हमने कलौंजी ली है और हमने ये एक आधा कटोरी ही तेल लिया है, इसको गर्म कर लिया है अच्छी तरीके से और हमने इसमें सौंफ और मेथी का तड़का लगाया है और हमने सौंफ और मेथी का तड़का लगाया और हमने ली है ये हींग और आधा कप हमने लिया है ये गर्म पानी। अब हम इन सारे मसालों को आपस में मिलाते हैं इनको। देखिए यहाँ भी हमने इसको कम से कम 6 से 7 दिन हमने इसको सुखा लिया है और इस तरीके की ये हो गई हैं। देखिए अब हम इसमें मिला लेंगे ये सारे मसाले, थोड़े से हमने रोक लिए हैं अगर ज़्यादा हो कभी हो जाए, और इसमें हमने आधे कप से भी कम हमने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाया है। मसाले अच्छे से इसमें आपस में चिपक जाएं। और ये आधी कटोरी हमने लिया है तेल, इसको गर्म कर लिया था उसको उसके बाद हमने ठंडा कर लिया था, बस हम थोड़ा सा ही इसमें तेल डालेंगे क्योंकि हमें इसको ज़्यादा तेल में नहीं बनाना। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये हींग 1 चम्मच, ये मसाले भी हम और डाल देते हैं। देखिए ये सूखा अचार हो गया है, इसको आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। अगर ज़्यादा आपके आम भी बहुत ज़्यादा सूख जाएं तो आप उसको गर्म पानी में 2-3 मिनट आंबियों को पका लें और तब उसका अचार बनाएं। अब हम डालेंगे ये सिरका, हमने ये 1 चमचे से बड़ा चमचा सिरका लिया है उसको डाल देंगे। सिरका इसलिए डाला जाता है ताकि ये लंबे समय तक ख़राब ना हो, और इस अचार को आप 2 से 3 साल रख के खा सकते हैं और इसको सफ़र में भी बहुत आराम से चला जाएगा। ये सूखा अचार है, इसमें तेल नहीं है। अब हम इसको एक जार में रख देंगे, इसको आप 5-6 दिन धूप में रखें और ये 2 से 3 साल तक भी ख़राब नहीं हो सकता। देखिए ये हमारा आम का सूखा अचार बनकर तैयार हो गया है। आप इसको 5-6 दिन धूप में रखें फिर ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये अचार बहुत ही चटपटा मसालेदार जायकेदार होता है। आप अचार को दाल, सब्जी, चावल, पूरी, पराठा, बेसन की रोटी के साथ खाएं। सच में ये इन चीज़ों से हमारा सूखा अचार बहुत ही अच्छा लगता है। आप इन अचार को सफ़र में पिकनिक में ले जा सकते हो। आप इस अचार को सूखा अचार, पानी का अचार या हींग का अचार भी कह सकते हैं। आप इस अचार को सफ़र या पिकनिक में भी ले जा सकते हैं। इस अचार को आप सूखा अचार या पानी का अचार, हींग का अचार भी कह सकते हैं। आप हमारे और भी अचारों को बहुत पसंद किया है, जैसे नींबू का अचार, हरी मिर्च का अचार, पपीते का अचार, सर्दी में आम का अचार। उम्मीद करती हूँ आपको यह अचार भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये आम का सूखा अचार पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।